आई एम योर टीचर फ्रॉम सुमित सिंह कॉन्वेंट स्कूल रुपया प्रतापगढ़। चलिए आप लोग अपनी अपनी स्वर गुनगुन की बुक ओपन करिए। अभी जो मैंने आप लोग को क्लास वर्क बताया है उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है? तो कर लिया आप लोग ने हिंदी में ओपन? देखिए मैंने अभी क्लास में हम लोग क्या बताया, दो अक्षरों वाले शब्द बताए थे ना, तो दो अक्षरों वाले शब्द में मैंने ये वाला रीडिंग कराया था, हल फल थन, और ये ब्लॉक रीडिंग कराया था ना पूरा। तो अब देखिए आप लोग का होमवर्क क्या है हिंदी में। हिंदी में आप लोग का होमवर्क ये है कि देखिए यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने रीडिंग कराई थी आप लोग को, तो ये आप लोग को रीड करना है, ठीक है? वन वन वर्ड आप लोग को रीड करने का होमवर्क है, ठीक है? तो आपका हिंदी में होमवर्क है रीड पेज नंबर 5 लास्ट पैरा, ठीक है? देखिए यश चल से लेकर के खत पढ़ तक जैसे मैंने क्लास वर्क में रीड कराया है वैसे ही आपको इसको रीड करना है। ओके, अब आप लोग ओपन करिए अपनी इंग्लिश की बुक। तो कर ली आप लोग ने ओपन। देखिए क्या बताया था मैंने, वॉवेल एंड कंसोनेंट बताया था ना आज, और ये वाली एक्सरसाइजेस भी कराई थी ना। तो देखिए आपका इंग्लिश में होमवर्क क्या है, इंग्लिश में आप लोग का होमवर्क है ये। देखिए ये मैंने बताया था ना, एप्पल कैट डॉल ये सब क्लास वर्क में मैंने करके बताया था ना। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, जैसे हर फिगर का फर्स्ट लेटर इसमें फिल करना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? तो आपका इंग्लिश में बुक वर्क ही रहेगा और मैथ्स में भी आपका बुक वर्क रहेगा, ठीक है? अभी आप समझ लीजिए इसे कैसे करना है। जैसे ग्रैप्स का फिगर बना है, तो ग्रैप्स कहाँ से स्टार्ट होता है, जी फॉर ग्रैप्स, तो यहाँ पे जी फिल करेंगे, ठीक है? जैसे हट का फिगर है, हट मीन्स झोपड़ी, तो हट कहाँ से स्टार्ट होता है, एच से ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, एच फिल करेंगे, ठीक है? तो इंग्लिश में आप लोग का होमवर्क रहेगा कंप्लीट पेज नंबर 6। ओके, आप लोग इसे नीट एंड क्लीन कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करेंगे। और अब आप लोग का ओपन करिए मैथ्स बुक। ओके, तो कर लिया आप लोग ने ओपन। देखिए मैथ्स में मैंने आप लोग को हैवी एंड लाइट पढ़ाया था ना। हाँ देखिए हैवी एंड लाइट और टॉल एंड शॉर्ट पढ़ाया था ना। तो अब आप लोग मैथ्स का होमवर्क समझिए, मैथ्स का भी बताया था ना मैंने बुक वर्क रहेगा। तो मैथ्स में आप लोग को इसे कलर करना है, ठीक है? और ये नीचे वाली एक्सरसाइज जो मैंने क्लास वर्क में बताई थी उसे आप लोग को होमवर्क में फिल करना है। ओके, देखिए ऊपर वाला बताया था ना मैंने, टॉल ऑब्जेक्ट को ब्राउन से करना है, मतलब लंबे को ब्राउन से, और सबसे ज्यादा लंबे को येलो कलर से करना है, ठीक है? तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा कंप्लीट पेज नंबर 6। इसे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास वर्क में मैं हाई एंड लो पढ़ाऊंगी। ओके, अब आप लोग ओपन करिए अपनी राइम्स की बुक। तो कर लिया आप लोग ने ओपन। ये देखिए आज मैंने आप लोग को हिंदी की राइम्स पढ़ाई थी ना, कल मैंने इंग्लिश की पढ़ाई थी मेरा भारत, ठीक है? आज हिंदी की पढ़ाई थी क्लास वर्क में। अब आप लोग को होमवर्क सुनिए क्या है, जैसे ये मेरा भारत है ना, तो इसे आप लोग को रीड करना है, ठीक है? वन वन वर्ड रीड करके अच्छे से इसे लर्न करना है। देखिए इसका लाइन काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन है ना, तो ये 8 लाइन आप लोग को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद इसे लर्न करना है, ठीक है? ये आप लोग का किसमें होमवर्क रहेगा, म्यूजिकल राइम्स में हिंदी की राइम्स, ठीक है? इसे अच्छे से आप लोग को लर्न करना है ताकि मैं आप लोग से सुनूं तो आपको ओरली भी इसे सुनाना है। ओके, अब आप लोग ओपन करिए अपनी आर्ट की बुक। तो कर लिया आप लोग ने ओपन। देखिए क्या है आपका आर्ट में होमवर्क, आज आप लोग को करना है नेक्स्ट पेज, ठीक है? मतलब पेज नंबर 3, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखिए इससे आप लोग जैसे इस फिगर में दिया गया है वैसे ही कलर करेंगे, ठीक है? जैसे ये इसका फेस है ना, इसे आप लोग ग्रीन करेंगे, मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, ठीक है? इसे आप लोग ग्रीन करेंगे, इसकी जो चोच है इसे आप लोग रेड कर देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया गया है, और ये जो इसके पंख है और बॉडी है ये आपकी रहेगी ऑरेंज में, ठीक है? जैसा कि यहाँ दिया गया है। ओके, और फिर नीचे जो वाटर है वो रहेगा ब्लू में। ओके, और यहाँ पे जो लाइट है वहां पे आप लोग लाइट रेड कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, समझ गए आप लोग? ये है हमारी डक की फिगर, ठीक है? डक का फिगर आप लोग को अच्छे से होमवर्क में कलर करना है, ठीक है? और इसे कंप्लीट करने के बाद आप मेरे पास होमवर्क सेंड करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मैंने जो होमवर्क दिया उसे आप लोग नीट एंड क्लीन करिएगा, उसके बाद मेरे पास सेंड करिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।